नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने सरकारी आवास से जरूरतमंदों को भोजन के लिए 3 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। निम्स ग्रुप की ओर से कोरोना महामारी की आपदा और लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रतिदिन 4,000 लोगों का भोजन वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भोजन वाहनों को रवाना किया। इस दौरान न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। निम्स ग्रुप की ओर से 4,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था इस महामारी के दौर में की गई है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बंगले से जो है ये भोजन सामग्री का आज वितरण होने जा रहा है। मंत्री जी, आज भोजन सामग्री आपके निवास से रवाना हो रही है। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, आपने भी आह्वान किया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे उसके लिए कुक्ड फूड, जिनके पास घर नहीं है, बेसहारा लोग हैं, और उन लोगों के लिए कुक्ड फूड, और जिनके पास घर है उनको सूखा राशन पूरे राजस्थान में वितरित किया जा रहा है। इसके लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओस, दानदाता, भामाशाह सब लोग सामने आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा पिछले 18 तारीख से 4,000 लोगों के लिए कुक्ड फूड जयपुर शहर में वितरित किया जा रहा है। तो आज हम ये जो खाने की खेप है वो हमारे घर से रवाना कर रहे हैं। तो कुछ जो फूड पैकेट हैं वो मंत्री अपने हाथ से यहाँ जो है वो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ रवानगी जो है वो की जा रही है। तो इस प्रकार के फूड पैकेट हैं सूखा, इसके अंदर जो खाना है वो रखा गया है ताकि आम लोग जो है इस महामारी के दौर में उनको राहत मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संवाद हुआ है। सीधे तौर पर सरकार की ओर से राज्य के अंदर उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है और ये बताया गया कि राजस्थान में सबसे पहले जो है लॉकडाउन को लागू किया गया था, इसके बाद में प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से एक मांग भी रखी है कि राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपए जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, कल बीसी में जो 1,00,000 करोड़ रुपए देने की राज्यों को मांग की गई थी उस पे प्रधानमंत्री जी का जो जवाब था कि ना तो हमसे कुछ मांगो और ना ही कोई आप रिलीफ के काम करो ज़्यादा, इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो मुझे उम्मीद कम ही है कि वो कोई आर्थिक पैकेज दे देंगे, लेकिन चलो ठीक है, जो भी राज्य के पास सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारा जो बकाया है प्रदेश का, जो राज्यों का हिस्सा बनता है, वो भी हमारे को अभी तक मिला नहीं है। तो विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री जी और हम सब लोगों का जॉइंट वेंचर है कि इस महामारी से लड़ने में हम कोई कोर कसर नहीं रखें। तो जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक के बाद एक जो स्टेप्स लिए हैं उससे राजस्थान की जनता में एक विश्वास का वातावरण है कि चाहे ये महामारी हो, संकट का दौर हो, हमारी सरकार का मुखिया और हमारी सरकार गरीब आदमी के साथ खड़ी है और उनकी एक एक बात को, चाहे बिजली पानी के बिल डेफर करने की बात हो, चाहे उनके खातों में 2,500 रुपया पहुंचाने की बात हो, चाहे 1 करोड़ परिवारों के जो बीपीएल है, अंत्योदय है, स्टेट बीपीएल है, उनके 2-2 महीने का राशन पहुंचाने की बात है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है प्रदेश के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। एक तरफ हम चिकित्सा संसाधनों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स बराबर प्रिक्योरमेंट हो रहा है, नई नई चीज़ें, कल जैसे नई बात आई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने वीसी की थी, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया कि जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे पर्यटकों की आवाजाही रहती है वहाँ भी रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल फैसला किया चिकित्सकों से बात करके, और पूरे स्टेट में ही टूरिस्ट स्पॉट हो चाहे धार्मिक स्थल हो वहाँ रैंडम सैंपलिंग करने की बात है। सूर्य जी ने मनरेगा मजदूरों के लिए बात कही है कि देश में जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है इसको लेके पर विचार। देखिए, 21 दिन जो लॉकडाउन की पीरियड की अवधि है, सोनिया गांधी जी ने भी मांग की है और मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को फिर रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि 21 दिन का लॉकडाउन का जो वेजेस बनता है हमारे नरेगा श्रमिकों का, उसका एडवांस भुगतान भारत सरकार को करना चाहिए, वो गरीब लोग कैसे जिंदा रहेंगे। तो मुसीबत के समय, इस समय सरकार से ही उम्मीद करते हैं वो
तो देखते हैं क्या निर्णय किया जाता है। तबलीगी जमात और इसके साथ ही ईरान से जो लोग आए हैं उनमें बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित पाए गए हैं और उसकी वजह से पूरे प्रदेश का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन राजस्थान में सारे CMHOs को, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमों को, होम डिपार्टमेंट का जो ADG इंटेलिजेंस है उनके द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं हैं कौन कौन कहाँ पे है। वैसे तो हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो तबलीगी जमात से जो लोग आए हैं या इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको अपने खुद के हित में, क्योंकि हम उन्हीं को बचाना चाह रहे हैं, उनके खुद के हित में है कि वो आगे आके चिकित्सा विभाग की टीमों से अपना खुद जाँच करवाएँ और उनके संपर्क में जो लोग आए उनकी जानकारी दें। कोई धर्म के लोग हों, कोई जाति बिरादरी के लोग हों, देखिए मुसीबत का ये समय है, मानवता को बचाने की चुनौती हम सब लोगों के सामने है, तो चाहे आप नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी होगी। ये किसी को हरगिज अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप रिलीजन के नाम पे कहीं भी इकट्ठा हो जाएं, कानून को तोड़ें और वो हमारे लिए परेशानी का सबब बने, उनकी खुद की जिंदगी को खतरे में डालने का काम हो जाएगा ये। इसलिए चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सारे धर्मों के लोगों के लिए लागू है और बाकी सब लोग पालन कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड हो। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे बरकरार रखने की बात कही है, आमजन से अपील की है कि वो घरों में रहे, साथ ही कोरोना वायरस का जो प्रकोप प्रदेश के अंदर जिस तरीके से देश प्रदेश में बढ़ा है इसको रोकने के लिए जो सरकार कारगर कदम उठा रही है उसमें अपनी भागीदारी निभाए। जिस तरीके से निम्स ग्रुप की ओर से भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, अन्य भी भामाशाओं की तरफ से आम और गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैमरामैन दिनेश पारी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।